वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजुकी ऑल्टो पाकिस्तानी वेरिएंट जो 2019 है, इसके फोर ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि हिडन फीचर्स हैं, और उनके बारे में एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो इस गाड़ी में हिडन फीचर्स हैं उसके बारे में, कि कौन कौन सी चीज़ें किस मकसद के लिए इस गाड़ी में प्रोवाइड की गई हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें, तो जैसे ही आप गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं, ये अगर आप रात के टाइम गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं, तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की एक लाइट होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और वो आँखों को लगती है जब आप ड्राइविंग करते हैं, और काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो अगर आप इस गाड़ी में उस लाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, और आज मैं आपको उसको एडजस्ट करके बताऊँगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इसके मीटर की लाइट को एडजस्ट करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नॉब दी गई है। आप इसको जब प्रेस करेंगे तो इसकी जो डिजिटल मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले है, यहाँ पर ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी। तो जैसे ही यहाँ पर इस तरह से आप इसको चेंज करते रहिएगा, तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको इसमें जो हैं सर्कल्स बने हुए नज़र आएंगे, जो कि अभी चार की तादाद में नज़र आ रहे हैं। देखें, आप इसको प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अभी आपको ऑप्शंस किलोमीटर वगैरह, उसके अलावा एवरेज है, और यहाँ पर आपको रेंज है। उसके अलावा जैसे ये आपको नज़र आएंगे, जैसे आपको सर्कल्स बने हुए नज़र आएंगे, आप क्या करेंगे कि जैसे स्क्रीन पर सर्कल्स नज़र आएंगे, आप इस नॉब को प्रेस करके रखेंगे। तो प्रेस करके रखने से क्या होगा कि आप देखें, एक इसका जो सर्कल है वो कम हो गया है, तो उससे इसकी जो मीटर की लाइट है वो एक पॉइंट कम हो गई है। तो फिर उसके बाद अगर आप मज़ीद कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर उसी ऑप्शन पर दोबारा आएंगे और इस नॉब को प्रेस करके रखेंगे, तो आप देखें एक और सर्कल कम हो गया है। उसके अलावा मज़ीद कम करनी है, प्रेस करके रखेंगे, एक सर्कल और कम हो गया है। ये सारी ऑप्शंस हैं, और अगर आप फुल करना चाहते हैं, तो आप फिर इसको प्रेस करके रखेंगे और देखें चार सर्कल हो गए और मीटर की लाइट दोबारा से फुल आ चुकी है, और मतलब फुल जो इसकी लाइट थी, इस वक्त मीटर की लाइट जो है फुल हो चुकी है। ओके, तो जो दूसरा फीचर इस गाड़ी में है, वो भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही मिलेगा। अगर आप नए ड्राइवर हैं, और अगर या कोई भी गाड़ी आप अगर नई ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप जैसे ही फ्यूल ख़त्म है, तो अगर आप पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, फ्यूल स्टेशन पर आप इसको रीफिल करने के लिए, और आपको ये पता नहीं है कि इसका जो फ्यूलेट ओपनर है वो कौन सी साइड पर है, तो जैसे ही आप इसके मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले पर नज़र डालेंगे, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर के बिल्कुल राइट, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको एक छोटा सा इस तरह से फ्यूल इंडिकेटर नज़र आ रहा है, और साथ ही वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल ओपनर जो है वो गाड़ी की कौन सी साइड पर है। तो आप देखें लेफ्ट साइड पर इंडिकेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि जो इसका फ्यूल इंडिकेटर है वो गाड़ी की लेफ्ट साइड पर है। तो आपको इसको उस तरह से पार्क करना होगा ताकि आप इसमें फ्यूल की रीफिलिंग कर सकें। मज़ीद अगर हिडन फीचर्स के बारे में बात करें, तो इसका आप फ्यूलेट ओपनर सबसे पहले ओपन कर लें, और उसके अलावा आप गाड़ी की बैक साइड पर आएँ। यहाँ पर अगर आप देखें, तो इसका जो ये फ्यूलेट ओपनर है, तो अक्सर क्या होता है कि आप जब फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में, तो आप क्या करते हैं कि आप ऐसे फ्यूलेट ओपनर को ओपन किया, और इसकी जो कैप है इसको ऐसे लटकता छोड़ देते हैं। उससे होगा क्या कि जो आपकी गाड़ी की ये जगह है, यहाँ पर अक्सर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इसके, क्योंकि एक दो बार करने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुसलसल ऐसे छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि गाड़ी की इस जगह पर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। तो उसके लिए सुजुकी ने क्या हल दिया हुआ है कि आप क्या करें कि यहाँ पर इसकी जो फ्यूल कैप है इसको ऐसे लटका दें। उससे क्या होगा कि आपकी जो फ्यूल कैप है वो आपकी बॉडी से दूर रहेगी, तो इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। सो इसको वापस क्लोज़ कर देते हैं। ओके गाइस, तो जो चौथा फीचर है इस गाड़ी में, वो यहाँ पर आपको बैक साइड पर मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियर पैसेंजर के बिल्कुल फ्रंट पर जो सीट है, उसके यहाँ पर एक इस तरह से छोटी सी हुक प्रोवाइड की जाती है। इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि ये आप अगर अपना कोई शॉपर है आपके पास, या कोई ऐसा सामान है, या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर टांकना चाहें, लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये की है मेरे पास, तो आप इसी को टांक दें, तो यहाँ पर आप इसको हैंग करने के लिए, आपके हाथ में कोई चीज़ पकड़ी है तो ये इसको हैंग करने के लिए, कोई शॉपर है, कोई बैग है, कोई पर्स है, अगर लेडीज़ पर्स है या जैसी चीज़ है, तो आप यहाँ पर इसके साथ हैंग कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर आपको पाकिस्तानी वेरियंट में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर आपको, जैसा कि देख सकते हैं, मैक्सिमम जो इसका लोड है 4 kg तक ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये फीचर आपको जो जैपनीज़ वेरियंट है सुजुकी ऑल्टो के, उसमें मिलेगा। जो पाकिस्तानी वेरिएंट है उसमें आपको ये फीचर नहीं दिया गया। गाइस, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, जो सुजुकी ऑल्टो का जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन थी, वो आपको इसकी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले स्क्रीन में तब नज़र आएगी जब इस गाड़ी की हेडलाइट्स को आप ऑन करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप उस नॉब को प्रेस करते रहेंगे, तो वहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आएगी जब तक इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन नहीं होंगी। मतलब वो फंक्शनैलिटी उस वक्त ऑन होती है जब आप इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करते हो। तो जब आप उस नॉब को हेडलाइट्स को ऑन करेंगे, उसके बाद फिर आप उस नॉब को प्रेस करेंगे, तो 3 से 4 बार प्रेस करने के बाद आपको वो वाली ऑप्शन नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर इसकी हेडलाइट्स ऑफ हैं, तो फिर आप उसको
को जब प्रेस करते रहेंगे तो वो आपको मीटर की जो लाइट्स हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट्स हैं, वो उस वक्त तक आपको उसकी ऑप्शन शो नहीं करेगा एडजस्टमेंट की, जब तक आप इसकी हेडलाइट्स को ऑन नहीं करेंगे। तो अगर आपने मीटर की लाइट्स को एडजस्ट करना है, आप सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन करेंगे, उसके बाद आप उस नॉब को प्रेस करेंगे। 3 से 4 बार प्रेस करने के बाद आपको इसकी जो मीटर की लाइट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन है वो स्क्रीन पर मल्टी इन्फॉर्मेशनल डिस्प्ले पर आपको सामने नज़र आ जाएगी। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। मैंने सोचा इस गाड़ी के जो हिडन फीचर्स हैं उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी यूज़फुल फीचर्स हैं ये, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लाइट वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी भी जो मैंने फीचर्स बताया आप उसको एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। साथ ही अगर आप मजीद इस तरह के फीचर्स वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इससे आगाह करें, ज़रूर इंशाल्लाह मजीद इसके अलावा और गाड़ियों की भी इस तरह से फीचर्स की वीडियो बनाई जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।